नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता रानी। 5 अगस्त पीएम मोदी के जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। पिछले साल 5 अगस्त को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया था और इस साल अयोध्या में वो रामलला को उचित स्थान दिलाएंगे। दोनों ऐतिहासिक क्षण है। 5 अगस्त को अयोध्या में पीएम मोदी नया इतिहास रचने जा रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखते ही उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा और युगों युगों तक याद किए जाएंगे। बातें कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अयोध्या में इन दिनों त्रेता युग की वो घटना जीवंत होती दिख रही है जब पहली बार राम जन्मभूमि मंदिर की नींव भगवान राम के पुत्र महाराज कुश ने रखी थी। संतों का मानना है कि मोदी अब महाराज कुश की भूमिका में है। जैसे भगवान राम के प्रजा के साथ दिव्य धाम चले जाने के बाद अयोध्या उजाड़ हो गई थी और उसके बाद कुशावती यानी कौशाम्बी के राजा कुश ने आकर अयोध्या को बसाया था, ठीक उसी तरह अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहा है। लोमश रामायण के मुताबिक कुश ने कसौटी के 84 खंभों वाला मंदिर जन्मभूमि पर बनवाया था। मंदिर में जिन कसौटी के 84 खंभों को लगाया गया था उसकी भी पौराणिक कथाएं हैं। बताया जाता है कि इन खंभों को राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के महाराज अनरक के आदेश पर विश्वकर्मा ने तैयार किया था, लेकिन बाद में रावण ने अनरक को परास्त कर समूची अयोध्या में लूटपाट की और महल में लगे इन दिव्य खंभों को लंका ले गया था, जिसे बाद में राम रावण युद्ध के बाद हनुमान जी अयोध्या लाए थे। इसी खंभों से कुश ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था, जहाँ चैत्र शुक्ल रामनवमी के शुभ अवसर पर प्रभु राम के बाल रूप की मूर्ति स्थापित हुई थी। तो कहते हैं कि आज भी हनुमानगढ़ी में प्रतीक के तौर पर एक स्तंभ है जिसके भक्त परिक्रमा करते हैं और कहा जाता है कि उसे हनुमान जी लंका से लाए थे। संतों की नजर में प्रधानमंत्री मोदी अब महाराज कुश की भूमिका निभाएंगे।